क्या आपने कभी वृक्ष पर पत्थर फेंके हैं? आज नहीं तो कभी ना कभी बचपन में तो फेंके ही होंगे। आज भी बालक यही करते हैं, किंतु क्या कभी आपने सोचा है क्यों उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं? कोई साधारण या फलहीन वृक्ष हो तो उस पर इतने पत्थर क्यों नहीं फेंके जाते? कारण सरल है, हमें खाने होते हैं फल और उन्हें प्राप्त करने के लिए पत्थर को फेंक कर ही प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और दूसरी ओर वृक्ष जो है उन पत्थर के रूप में विरोध को सहता रहता है, फिर भी वही बना रहता है जहां सदैव से था। वही फल हमें देता रहता है जो सदैव से देता आया है, और इसलिए वो हमारे लिए मूल्यवान होता है। स्मरण रखिएगा, ऐसे ही आपके जीवन में कई लोग आएंगे या कदाचित होंगे जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके जीवन में संकट लाते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं, किंतु आपका ध्यान वहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको स्मरण रखनी है। उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं, जो मूल्यवान होते हैं। राधे राधे।